आइए बच्चों, आज हम आपको जो है युगपत समीकरण का तीसरा नियम बताने जा रहे हैं। ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा युगपत समीकरण को हल करना। तो आप देखिए, यहाँ पर दो चर राशि वाले युगपत समीकरण का ब्रज गुणन खंड विधि से हल। तो आइए, यहाँ पर जो है हम युगपत समीकरण का जो व्यापक समीकरण का व्यापक रूप पहले बताया गया है उसी को लिख रहे हैं। समीकरण का व्यापक रूप a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। इसके पहले आप लोगों को प्रथम क्रिया में जब प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया गया था तो उसमें हम बताए थे कि आपको किसी एक चर के गुणांकों के मान को बराबर करके मान प्रतिस्था जो है विलोपन करना है, और उसमें एक चर का मान निकलता है तो फिर दूसरे चर का मान उस मान को रख के ज्ञात करते हैं। आज इसमें हम आपको संकेत सामान्य रूप से विशेष करके केवल ब्रज गुणनखंड विधि पर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ब्रज गुणन खंड विधि के प्रयोग से हमको क्या मिलता है। आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। प्रयोग में सबसे पहले x लिखते हैं और x बटे करके दिखाते हैं जब, तो उस समय हम दोनों के x पद को बंद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, पहले समीकरण से b1 c1 मिलता है तो यहाँ लिखेंगे b1 c1। दूसरे समीकरण से b2 c2 मिलता है तो b2 c2। फिर आइए यहाँ पर y के लिए जो है ऊपर y लिखते हैं, फिर बटे करके हम इसमें y वाले पद को बंद कर लेते हैं। क्रम आपका चलते रहेंगे, c1 के बाद a1 को लिखेंगे तो सही होगा, यदि आप a1 या c1 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्रम चक्रीय रूप में c1 a1 फिर c2 a2। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्रिया आपकी होती है, यहाँ देखिए c1 c2 के साथ कोई चर नहीं है इसलिए यहाँ हम 1 लिखेंगे। बटे करके क्रम आपका होगा a1 b1 a2 b2। अब स्थिति आती है, इतना लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि आपका ये c1 c2 बराबर के दाहिनी तरफ होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक धन एक की जगह ऋण एक का प्रयोग करते हैं, अन्यथा यदि बराबर के बाईं तरफ है तो 1/2। अब इसमें क्रिया क्या होती है कि हम b1 का c1 के c2 के साथ और b2 का c1 के साथ गुणन का संकेत लेते हैं। गुणन का संकेत लेते हुए c1 का इनके साथ, c2 का a1 के साथ, और a1 का b2 के साथ, a2 का b1 के साथ। अब आइए देखिए, यहाँ पर या करके हम यहाँ लिख देंगे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1
ए टू माइनस सी टू ए वन बराबर एक बटे, यहाँ आपको ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इसको लेते हैं प्रथम मानते हैं, इसको द्वितीय मानते हैं, इसको तृतीय मानते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि यक्स के वाई के और अचर तीनों में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यक्स के संबंध को अचर से लेते हैं, लिखेंगे अतः प्रथम और तृतीय संबंध से आपको मिलता है यहाँ पर x बटे बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर एक बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो हमको मिलता है x बराबर यह हो जाता है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। पुनः वाई के मान के लिए संबंध दो और तीन से, के प्रयोग से आपको मिलता है वाई बटे सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बराबर एक बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है y बराबर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अतः समीकरण एक और दो का ब्रज गुणनखंड विधि से प्राप्त हल यक्स बराबर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन तथा वाई बराबर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी दो चर राशि वाले युगपत समीकरण को जब हम हल करते हैं, यह कहलाता है ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल। आइए हम करते क्या हैं कि जैसे कोई भी प्रश्न हल करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले दिए गए समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद क्या करते हैं कि जब ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का मान हमें प्राप्त हो जाता है, तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ है एक्स बराबर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसमें रखते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू और सी टू सी वन सी टू बी वन बी टू का मान, तो हमें एक्स का मान प्राप्त होता है। वाई बराबर में रखते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू का मान, तो हमें जो है वाई का मान प्राप्त होता है। आइए उदाहरण के रूप में जैसे आपको लिखना है, यहाँ लेना है चार एक्स ऋण सात वाई
चार यक्ष ऋण सात वाई धन 28 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है आपका 5 वाई ऋण सात एक्स 5 वाई ऋण सात एक्स और धन 9 बराबर 0। यह समीकरण नंबर यहाँ पर हो गया एक उदाहरण के लिए, यह हो गया 2। अब आपको इसमें क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरण को जो है व्यापक समीकरण से तुलना करना है। व्यापक समीकरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग में कंठस्थ करने याद रखने की ज़रूरत है। लिखेंगे तो समीकरण 1 और 2, 2 को व्यापक समीकरण से तुलना करने पर हमको मिलता क्या है, यहाँ मिल जाता है a1 = 4, b1 = -7। a1 = 4, b1 = -7 तथा c1 = हमको मिल जाता है इसमें 28 तथा a2 = हमको मिलता है -7, b2 = मिलता है 5 और c2 = मिलता है यहाँ पर तुलना करने पर 9। अब आपको देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने की दशा में अब आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि x बराबर होता क्या है, b1 c2 - b2 c1 बटे a1 b2 - a2 b1। अब आप इसी में क्या करेंगे कि ए मान रखेंगे, ऊपर से आपको b1 का मान -7 गुणे c2 का मान 9 फिर ऋण b2 का मान जो है आपको यहाँ मिल रहा है 5 और गुणे c1 का मान मिल रहा है 28 बटे a1 का मान है 4 गुणे b2 का मान है 5 और ऋण a2 का मान है -7 गुणे यहाँ पर b1 का मान है -7। अब आपको ये मिल गया -63 और ऋण 5 का गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 5 2 10, 4 14 बटे आपको मिल गया यहाँ पर 20 और ऋण गुणे ऋण धन, ये ऋण हो गया, यहाँ पर आपको मिल गया 7 7 49। ये दोनों ऊपर आपका ऋण ऋण है, 3 आ गया, 6 4 10 हो गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 1 2 बटे यहाँ मिलेगा ऋण 29। अब इसमें आपको सरल करने के बाद देखिए कटने की कंडीशन नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ऋण ऋण से कट जाएगा तो हमको इसका मान मिल जाएगा, ऋण ए ऋण से ऋण कट गया, हमको यहाँ पर मिला ये जो है 203 बटे या आपका हो जाएगा 29। लेकिन यहाँ देखिए कि 7 से कटता है कि नहीं, 7 9 63, 7 × 14 14 और 6 20, जिससे आपको इसका मान कट के मिल जाता है यहाँ पर 7, यानी ये हो गया x = 7। पुनः हम यहाँ चलते हैं तथा y = जो है आपको मिलेगा, ये होता है c1
ए टू माइनस ए टू ए वन बटे बी वन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। यहाँ पर सी वन का मान 28 आपको मिलता है, इंटू ए टू का मान ऋण 7 है, फिर ऋण है, सी टू का मान 9 है और गुड़े ए वन का मान 4 है, कुल के बटे ए वन का मान 4 और गुड़े बी टू का मान जो है आपको 5, ऋण ए टू का मान ऋण 7 गुड़े बी वन का मान ऋण 7। ये आपको मिल गया, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 7 2 14, 14 5 19 है, ऋण 196 और यहाँ ये हो गया 9 चौक 36, ऋण 36 बटे आपको मिल गया यहाँ पर 20 और ऋण 49 है। यहाँ ऋण गुणे ऋण, ऋण 7 ऋण 7 का गुणन करेंगे तो धन 49 हो जाएगा। ये ऋण ऋण आपका एक साथ जुड़ेगा तो 6 6 12 हो गया, 9 3 12 और 1 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी आपको मिल गया यहाँ ऋण 232 बटे, यह आपको मिल गया ऋण 29। फिर यहाँ ऋण से ऋण कट जाएगा। देखिए यहाँ पर y का मान जैसे 7 बार 29 का पहाड़ा पढ़ने 203 आ रहा, 8 से करेंगे तो 8 9 72, 8 2 16, 16 7 23, यानी ये कट गया, आपको यहाँ मिल गया 8। यह y का मान हो गया 8। आपको उत्तर क्या मिला? उत्तर ब्रज गुणनखंड विधि के माध्यम से आपको हल करने पर मिल रहा x बराबर 7 और y बराबर 8। आपको उत्तर की जांच अपने आंसर को सही करने के लिए, चेक करने के लिए कि आंसर सही है या गलत है, जिसके लिए आप अपने उत्तर की जांच x और y का मान किसी भी समीकरण में रख करके ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चल रहे हैं आगे होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको जो है ध्यान देना है, इसी प्रकार सवाल को हल करना है। होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, यहाँ नोट्स का रूप होगा, सभी प्रश्न को ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आपके प्रश्न में लिखा रहे कि इस दो चर राशि वाले युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यदि विलोपन विधि से प्रश्न में लिखा रहता है कि हल कीजिए, तो विलोपन विधि से हल करना है, और ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने के लिए करना कहता है तो ब्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए। यदि लिखे हुए विधि के अतिरिक्त आपने किसी दूसरी विधि का प्रयोग कर दिया तो इससे साबित होता है कि आपको जो विधि कह रहा है हल करने के लिए वह नहीं याद है। इस कंडीशन में आपका नंबर कट सकता है, जांच में उत्तर माने कि उस पर नंबर नहीं मिलेगा। आइए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो जो भी होमवर्क है उसको आपको ब्रज गुणनखंड विधि से ही हल करना है। जैसे समीकरण आपका है x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 तथा 3x ऋण 3y ऋण 15 बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ हमने केवल लिख दिया हल कीजिए, लेकिन ऊपर नोट्स दिए हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसे जो है ब्रज गुणनखंड विधि से ही हल करना है, ना कि अन्य दूसरी विधि से। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है,
यक्स धन वाई बराबर ए धन बी। समीकरण यक्स धन वाई बराबर ए धन बी तथा यहाँ पर ए एक्स ऋण बी वाई बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर 57/x^y धन 6/x^y बराबर आपको यहाँ 5 तथा आगे है 38/x^y धन 21/x^y बराबर 9 को हल कीजिए। यहाँ देखिए आपको करना क्या है, संकेत में ले लीजिए जिससे सवाल आपका हल हो जाएगा। यहाँ आप पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखेंगे, पहला पद एक्स धन वाई है दोनों के साथ, दूसरा पद जो है इसके साथ बटे में एक्स ऋण वाई है। तो पहले आप इसमें मानक मान लेंगे कि 1/x^y बराबर u मान लेंगे और 1/x^y बराबर v मान लेंगे। तो पहला समीकरण आपका हो जाएगा 57u + 6v = 5 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 38u + 21v = 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि से u और v का मान निकाल लेंगे। पुनः u और v का मान निकालने के बाद आप उसको 1/x^y = u का मान रखेंगे, 1/x^y बराबर v का मान रखेंगे। दो समीकरण फिर आपको x और y के रूप में मिल जाता है। तो उसके बाद चाहे आप विलोपन विधि या ब्रज प्रतिस्थापन विधि या पुनः ब्रज गुणनखंड विधि का प्रयोग करके x y का मान ज्ञात करेंगे। यही इसकी क्रिया है जिसे आप एक बार दो बार सुन करके हल करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 आपका है इसमें एम एक्स ऋण एन वाई एन वाई बराबर एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर तथा दूसरा है इसमें एक्स धन वाई बराबर 2m को हल कीजिए। यहाँ ये आपका आसान तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आप लीजिए यहाँ पर 2ax + 3by बराबर a धन 2b तथा आगे 3ax + 2by 3ax + 2by यह बराबर है 2a + b को हल कीजिए। तो आप ऊपर के देखिए कि जब ये सवाल तभी आएगा जब आप आर्टिकल को दो बार तीन बार रिवाइज कर लेंगे, उदाहरण देख लेंगे, उस मॉडल से इसको हल करेंगे तो आपको ये सभी सवाल आ जाएंगे। यदि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये सवाल हमको नहीं आ रहा, जो इसमें थोड़ा सा टिपिकल है जिसको हमने आपको संकेत पूर्णता दे दिया है, उस संकेत को एक बार दो बार सुनते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा इसका उत्तर आसानी से, और नहीं ध्यान देंगे तो आसानी से मिलेगा नहीं।
आगे आप प्रयास करते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग लगे रहिए, समय का अपना नुकसान मत करिएगा। जय हिंद।